हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। दोस्तों, 36 साल के एथोस सालोमी को आज का नास्त्रे दमस कहा जाता है। दोस्तों, एथोस ने अब साल 2023 के लिए संभावित भविष्यवाणी की है। जी हां, एथोस अपनी भविष्य देखने वाली शक्तियों की डींगे हाँकते हुए दावा किए हैं कि उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध और महारानी की मौत की भविष्यवाणी की थी। साथ में एथोस ने कई डराने वाली भविष्यवाणियां की हैं। एथोस की सबसे पहली भविष्यवाणी एक नई महारानी को लेकर है। उन्होंने कहा कि एक नई घातक महामारी अंटार्कटिका में बर्फ की सतह के नीचे डूबी हुई है। वो दुनिया को पंगु बनाने के इंतजार में है। बर्फ में दबे विषाणुओं पर वैज्ञानिकों की हाल में हुई शोध ने उनकी भविष्यवाणियों को बल दिया है। शोध में लगभग 50,000 साल पुराने ज़ोंबी वायरस की खोज शामिल है। 2021 में ओहायो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने तिब्बती ग्लेशियरों में निष्क्रिय पड़े 28 अज्ञात वायरस की खोज की थी। माना जा रहा है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ये वायरस का खतरा बनेगा। एथोस का मानना है कि अंटार्कटिका की बर्फ से ये वायरस निकलेंगे। एथोस ने कोरोना से जुड़ी दूसरी भविष्यवाणियां की थी। इसमें उन्होंने दावा किया कि कोरोना कम नहीं होगा, लेकिन वायरस की एक नई दवा बनाई जाएगी जो वास्तव में शैवाल से बनेगी। एथोस ने विशेषज्ञों का हवाला देते हुए कहा कि हरे पौधे में कई पोषक तत्व पाए जा सकते हैं। दोस्तों, ये मौका हमें क्रिश4 की स्टोरी तक लेकर जा सकता है। क्रिश4 में भी एक ऐसा ही एस्ट्रोलॉजर को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा जो क्रिश और उसकी टीम को आने वाली प्रॉब्लम्स को लेकर बताएगा, लेकिन उस पर कोई यकीन नहीं करेगा। जब उनका यकीन हकीकत में तब्दील होने लगेगा, तभी सबको आने वाली दिक्कतों के निदान के लिए उस एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या क्रिश आने वाली परेशानियों से दुनिया को बचा पाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।